केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद के नारायणगुड़ा स्थित केशव स्मारक विद्यालय में स्वस्थ मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में इस स्वस्थ मेले का शुभारंभ किया गया है। किशन रेड्डी ने स्पष्ट किया कि कोरोना महामारी के बाद देश की जनता के स्वास्थ्य पर केंद्र सरकार ने विशेष दृष्टि साधी है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड प्रोफाइल भी तैयार किया जा रहा है। इस बात का भी उन्होंने खुलासा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत कार्ड सभी गरीब लोगों को पहुंचे, इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारी अपनी दिलचस्पी दिखानी चाहिए। देश भर में आयोजित किए जा रहे स्वास्थ्य मेले में हर एक व्यक्ति को भाग लेकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। यह बात किशन रेड्डी ने कही। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन हर एक नागरिक को लेना अनिवार्य है। ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాథమికమైనటువంటి ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల వివరాలు, అన్ని రకాల హెల్త్ చెకప్లు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి విషయంలో ప్రజలకు తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీకు తలనొప్పి, అనారోగ్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, మీరు హెల్త్గా ఉన్నారా, మీరు ఏం మందులు వాడుతున్నారు, ఆ రకమైనటువంటి ఒక హెల్త్ ఫైలు ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరిది కూడా ఈరోజు ఓపెన్ చేయాలని చెప్పి భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. హెల్త్ కార్డు ఓపెన్ చేస్తే మీరు కాగితాలు ఎమ్మడ తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. అక్కడనే ఆన్లైన్లో మీకు సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్యకరానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని విషయాలు ఫైల్లో ఉంటాయి. ఒక డిజిటల్ యూనిక్ డిజిటల్ ఐడి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ నెంబర్ మీ సెల్ ఫోన్లలో పెట్టుకుంటే చాలు, ఆ కార్డు మీ దగ్గర ఉంటే చాలు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మీ వివరాలన్నీ కూడా డాక్టర్కు మీరు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు. హైదరాబాద్ నగర్ కే సీమావర్తి अलवल में 897 करोड़ रुपए की लागत से तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना के लिए केसीआर सरकार ने आज शासनादेश जारी किया। इसी संदर्भ में विधायक मयन पल्ली हनुमंत राव के नेतृत्व में टीआरएस पार्टी के नेताओं ने मलकाजगिरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के चित्र का दुग्ध अभिषेक किया। इस कार्यक्रम में टीआरएस के पार्षद सुनीता रामू यादव, प्रेम कुमार मीना, उपेंद्र रेड्डी, टीआरएस के नेता मेंकाला रामू यादव, जगदीश गौर, टीआरएस के कार्यकर्ता आदि भारी संख्या में शामिल हुए। कुत्तापेट स्थित बाबू जगजीवन राम भवन में श्री ज्ञान चैतन्य जूनियर कॉलेज का वार्षिक समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर विधायक सुधीर रेड्डी ने कहा कि समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आज के विद्यार्थियों को उभरने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हर एक विद्यार्थी अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए जीवन भर प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने कई प्रकार के नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रदर्शित कर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। महाविद्यालय के संचालक एवं महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि हमारे विद्यालय में बच्चे अच्छे श्रेणियां प्राप्त कर इस प्रकार की शिक्षा और उत्तम प्रतिभाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर विधायक के हाथों प्रतिभावना विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। चिल्कानगर डिवीजन के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष गोने श्रीकांत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपमानित करते हुए मंत्री केटीआर बात किए हैं, यह उचित नहीं है। इस विरोध के अंतर्गत चिल्कानगर चौराहे में मंत्री केटीआर का पुतला जलाकर विरोध प्रकट किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीकांत ने कहा कि यदि दम है तो राजनीतिक रूप से हर बात का सामना करना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत रूप से किसी की आलोचना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी में अराजकता काफी बढ़ गई है, अब वह समय आ गया है जिन्हें राज्य की जनता ही उचित शब्द
देगी। उन्होंने मंत्री केटीआर से मांग की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई टिप्पणियों के लिए क्षमा याचना करें। उन्होंने यहां भी चेतावनी दी कि यदि केटीआर क्षमा याचना नहीं करते हैं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पालवंचा विठल, शमीर पेट चंद्रैया, प्रदीप कुमार, तिरुपति सत्यनारायण, तोटा सामैया, आले नरेंद्र, दलित मोर्चा के नेता आदि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राज्य के मंत्री के तारक रामा राव द्वारा की गई अनुचित टिप्पणियों का विरोध एवं भरत शर्मा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्षमा याचना करने की केटीआर से मांग की। चैतन्यपुरी चौराहे के पास डिवीजन के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपना विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हुए केटीआर ने अहंकार प्रदर्शित कर अपने टिप्पणियां की है। यह एक राजनीतिक नेता को शोभा नहीं देता। गड्डी अन्नमराव क्षेत्र के पार्षद महेश्वर रेड्डी ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर कटिहार की निंदा की। इस अवसर पर नीलम आनंद, ओबीसी मोर्चा के नेता सुनील नारायण दास नागमणि तथा विविध मोर्चा के नेता शामिल थे। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिम पट्टनम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कल शाम हुई अकाल बारिशों के कारण धान तथा आम की फसलों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। ఇది చేసి ఇంత కొంచెం బాగి తెల్లారుస్తుందేమో, మా పిల్లలకేమన్నా ఆధారపడుతుందేమో అనుకొని, చదువులు అన్నా ఏదన్నా బాగుపడుతుంది అనుకొని చేసినా చేస్తాం, తాగం అయిపోయినా ఊరన్నా ఆదుకుంటే ఇట్లనే నిన్న 3 గంటలకే పడేసారు, అంత ఆగం అయిపోయినా ఎవరన్నా ఆదుకుంటే పుణ్యం. ముఖ్య కార్యకారీ అధికారి వికాస్ రాజ్ ने बताया कि राज्य में एक ही फोटो से दो दो वोटर आईडी कार्ड होने के लाखों की संख्या के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे राज्य भर में 22.04 लाख कार्ड होने की पहचान की गई है, जो 50 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि ऐसे दो दो चित्र वाले मतदाता पहचान पत्र हैदराबाद रंगारेड्डी जिला परिधि में होने के साथ साथ कुतबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र में 91,996, शेरलिंगमपल्ली में 91,112, एलबी नगर विधानसभा में 76,272, उप्पल में 71,009, मेडचल में 67,969, जुबली हिल्स में 55,884, याकूबपुरा में 50,950, कारवान में 48,069, नामपल्ली में 46,780, चंद्रायन गुट्टा में 42,858 है। इसी प्रकार सबसे कम मंदिरा विधानसभा क्षेत्र में 33,047 होने की उन्होंने बुद्ध भवन में जानकारी दी। विकास राज ने आज राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि डबल मतदाता को हटाने के मामले में चर्चा की गई। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य भर में इस वक्त फर्जी मतदाताओं तथा दोहरे मतदाताओं को हटाने का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। एक ही फोटो के साथ दो दो अलग पत्ते होने पर भी फोटो की पहचान के अनुसार उन्हें अलग कर हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। టోటల్ నంబర్ మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే దిస్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ దేర్ ఆర్ 22 లాక్ బోగస్ ఓటర్స్. దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ దిస్. ఇందులో కొన్ని యాక్చువల్గా డూప్లికేట్ ఉండొచ్చు, కొన్ని మైట్ బి డిఫరెంట్ పీపుల్ జస్ట్ సిమిలర్గా కనపడేవి, కొన్ని బై మిస్టేక్ ఇంతకుముందు పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా కొంతమంది చెప్పారు. ఏంటంటే మనం తీసుకువచ్చి వన్ వీ గివ్ ద అప్లికేషన్స్ ఫిజికల్ అప్లికేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫోటోతో సహా ఇస్తాం.
कोरोना काल में कुछ महीनों तक रुकी पड़ी रही हैदराबाद मेट्रो रेल सेवाएं पुनः आरंभ हो गई है। यहां ऐसा हो तो अधिक दिनों तक सेवाएं रुक जाने से मेट्रो रेल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अब यात्रियों की संख्या बढ़ने से मेट्रो रेल के अधिकारी मेट्रो रेल को पटरी पर लाने के लिए अपने स्तर के प्रयास कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत मेट्रो यात्रियों की संख्या बढ़ने के लिए यात्रियों की सुविधा हेतु और एक सुविधा को उपलब्ध कराया गया है। अधिकांश मेट्रो स्टेशन हाईवे के ऊपर ही है, जिससे भीतर रहने वाले लोगों को स्टेशन तक पहुंचने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों ने मेट्रो राइट के नाम से ही ऑटो सेवाओं को आरम्भ किया है। प्राइवेट ऑटो 4 जून की अपेक्षा इन ऑटो में दरें काफ़ी कम है, यह बात की जानकारी SVN रेड्डी ने दी। उन्होंने बताया कि इन ऑटो में सफल करने के लिए पहले 1 किलोमीटर के लिए 10 तथा उसके बाद प्रति किलोमीटर को 6 के हिसाब से शुल्क वसूले जाएंगे। ऑटो बुक कराने की इच्छा रखने वाले मेट्रो राइडर इंडिया ऐप डाउनलोड कर लेने का उन्होंने सुझाव दिया। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि रेलवे परियोजनाओं लाइनों के पुनरुद्धारण उत्पत्ति केंद्रों की मंजूरी में तेलंगाना के प्रति केंद्र सरकार सौतेला प्रेम दर्शा रही है। उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार से विकसित हो रहे राज्यों में रेलवे स्तर पर अनेक कार्य आरंभ करने की संभावनाएं होने पर भी उसकी और दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। विनोद ने कहा कि काजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री या अन्य कोई रेलवे संबंधित यूनिट को स्थापित करने के लिए गत कई दशकों से संघर्ष करने पर भी दिल्ली के लोग राज्य के विकास की बात को अनसुना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे स्तर पर हैदराबाद से बेंगलुरु, वारंगल, विजयवाड़ा, नागपुर रूट में औद्योगिक रक्षण कार्य लाइनों को बेहतर नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फार्मासिटी नेशनल डिजाइन सेंटर, काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए आवश्यक निधियां भी केंद्र नहीं जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी सही रेलवे परियोजनाओं को मंजूर करने की तथा विभिन्न योजनाओं के लिए आवश्यक निधियां जारी करने की विनोद कुमार ने केंद्र सरकार से एक विज्ञप्ति से मांग की। नलगोंडा जिला मिरियालागुड़ा मंडल आइलापुरम में प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक चंदू नायक को एक कठु अनुभव का सामना करना पड़ा। विद्यालय को 1 घंटा विलंब से आए प्रधानाध्यापक को लोगों ने उसे गेट के पास खड़े कर खेलने को मजबूर कर दिया। इस दृश्य को देखे ग्रामीणों ने तथा वहां रहने वाले युवाओं ने चंदू नायक को आड़े हाथों लिया। लोगों ने कहा कि प्रधान अध्यापक ही विलंब से विद्यालय आए तो बच्चों में अनुशासन कहां से आएगा। साथ ही अध्यापकों को पहले विद्यालय आने के लिए उनसे भी ज्यादा वेतन प्राप्त करने वाले हेडमास्टर उन सभी अध्यापकों के लिए आदर्श होना। प्रतिदिन विलंब से आ रहे हेडमास्टर की हरकतों को देखकर लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए हाई स्कूल के गेट को ही ताला लगा दिया, जिससे हेडमास्टर को बच्चों के अभिभावकों के सामने काफी शर्मिंदा होना पड़ा। ग्रामीणों ने कहा कि प्रतिदिन विलंब से आने वाले प्रधान अध्यापक के खिलाफ अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई ना किया जाना यह बड़ी शोचनीय बात है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से इस संबंध में सख्त कदम उठाने की मांग की। బోర్డు మీద రాసి ఎగ్జామ్ రాసినట ఒక్కసారు 8 o'clock కి ఒక్క టీచర్ లోపలికి వచ్చింది। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमाकर ने बताया कि तेलंगाना राज्य के किसानों में विश्वास जगाने के लिए कांग्रेस के अग्रज राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी वरंगल आ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की सभा के लिए संयुक्त खम्बम जिले में 25,000 से अधिक वाहनों में लोगों को स्थानांतरित करने की बात बताई।
कांग्रेसी नेता भट्टी विक्रमाकर ने कहा कि सामान्य जनता को तकलीफ होने पर उनकी मदद के लिए जैसे पुलिस व्यवस्था की जाती है, गत सरकारों द्वारा की गई व्यवस्थाओं को भी उन्होंने आज याद किया। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस कांग्रेस की जनसभा के संबंध में अपना व्यवहार और रुख नहीं बदली तो भविष्य में इसके तीन परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। भट्टी विक्रमाकर ने जन सामान्य से आग्रह किया कि वे भारी संख्या में राहुल गांधी की जनसभा में शामिल होकर उसे विजय बनाए। సామాన్యులను బెదిరిస్తే పోలీస్ వ్యవస్థ దగ్గర పెడితే మాకు న్యాయం దొరుకుతుందనేటువంటి నమ్మకం ధైర్యం ఉండేటట్టుగా గత ప్రభుత్వాలు పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది. అదే పోలీస్ యంత్రాంగం ఈరోజు వాళ్లే బెదిరింపులు. आदिलाबाद जिले में कलेक्टर सिखाता पटनायक के नाम से फर्जी अकाउंट क्रिएट किए साइबर अपराधियों ने जिले में कई लोगों को तथा अधिकारियों को पैसे की आवश्यकता बताते हुए पैसे भेजने के लिए संदेश भेजे। फोन नंबर 7234822110 नंबर पर कलेक्टर का चित्र से डीपी लगाकर अधिकारियों को पैसे की आवश्यकता कहकर व्हाट्सएप ऐप पर संदेश भेजे। इस प्रकार से आए संदेशों पर प्रतिक्रिया व्यक्त किए गए डॉक्टर ने 1000000 तक के 10 ओचारों को साइबर अपराधियों के पास भेजा। उसके द्वारा भेजे गए वोचरों को देखकर पुनः 1000000 तक के वोचर भेजने का साइबर अपराधियों ने संदेश पुनः भेजा। इस संदेश के साथ सतर्क हुए डॉक्टर ने तत्काल यह बात की जानकारी जिला कलेक्टर को बताई। इस विषय का पता लगते ही जिला कलेक्टर ने कहा कि यह अवश्य साइबर अपराधियों की ही कार्रवाई है। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना देकर इस संबंध में आगे की जांच करने के तथा साइबर अपराधियों को पकड़ने के आदेश दिए। पता चला है कि डॉक्टर द्वारा भेजे गए 10 ओचारों में से 3 वोटरों को साइबर अपराधियों ने इस्तेमाल कर लिया है। साइबर पुलिस ने राज्य भर की जनता से इस प्रकार के अपराधों के संबंध में साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की चेतावनी दी है।